चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं स्पेसिफिन पेपर फिजिक्स का तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर टू है वो फिफ्टीन मार्क्स का रहेगा तो इसमें क्वेश्चन नंबर टू का पहला पार्ट है उसमें भी तीन पार्ट्स हैं सब पार्ट्स नेम द प्रिंसिपल ऑन विच अ लीवर वर्क्स तो ये लीवर वर्क्स ऑन दबियसली प्रिंसिपल ऑफ लीवर है ना तो आपको लिखना है लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ठीक है ये प्रिंसिपल मोमेंट से लिया गया है अभी यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ सिर्फ नेम द प्रिंसिपल बोला है अभी स्टेट द प्रिंसिपल बोलेगा तो ये भी लिखना है तो ये भी आपके रिवीजन के लिए मैं लिख देता हूँ इट स्टेट्स दैट इन इक्वेलिब्रियम द मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फलक्रम इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द सेम फलक्रम तो ये है प्रिंसिपल ऑफ लीवर विच इज डिराइव फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ठीक है अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए बी विच रेडिएशन दैट आर इमिटेड ड्यूरिंग द डीके ऑफ न्यूक्लियस हैविंग हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर तो न्यूक्लियस से अल्फाबेटा गामा निकालते हैं तो गामा रेज लिखना है ठीक है गामा रेज Does the emission of ever mentioned radiation result in a change in the mass number? तो इसमें मास नंबर एटमिक नंबर कुछ भी चेंज नहीं होता है तो आंसर लिखना है नो ठीक है उसमें सिर्फ एनर्जी स्टेबलाइजेशन होता है ठीक है एनर्जी उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं सेकंड पार्ट इसमें देखिए कॉपर रॉड और स्टील रॉड दिए हैं मीटर रॉड मेड ऑफ कॉपर एंड स्टील एज सन इन द डायग्राम द वेट्स ऑफ कॉपर एंड स्टील आर टेन न्यूटन एंड एट न्यूटन रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन है ऑन विच पार्ट डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई जीरो टू फिफ्टी में रहेगा या फिफ्टी टू एट्टी में रहेगा अभी हम देख सकते हैं कि कॉपर का वेट है ज़्यादा है ना और स्टील का है कम है एट न्यूटन तो हालांकि इस जो टेन न्यूटन है ये इसी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि मोर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड द कॉपर साइड तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा कॉपर के साइड में रहेगा यानी कि ज़ीरो टू फिफ्टी ये यहाँ पर रहेगा क्योंकि द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अभी यहाँ पर कॉपर का हालांकि सेम लेंथ है इसका मास ज़्यादा है इसलिए कॉपर के साइड में रहेगा तो जीरो टू फिफ्टी तो ये है जस्टिफाई योर आंसर द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो आप लिख सकते हैं मोर मास डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन जीरो टू फिफ्टी सेंटीमीटर दैन इन फिफ्टी टू हंड्रेड सेंटीमीटर पार्ट ठीक है यहाँ पर देखिए कॉपर का ज़्यादा मास दिया है तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर से है अभी लीवर इज सोन बिलो देखिए फलक्रम है एफर्ट है यहाँ लोड है जीरो पॉइंट फाइव न्यूटन दिया है और एफर्ट से ले फ, फलक्रम तक जीरो पॉइंट वन और एफर्ट से लेकर लोड तक ज़ीरो पॉइंट फोर मीटर दिया है तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीवर तो इसमें क्या करना है कौन सा टाइप है तो इसके लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूँ एफ एल ई इन बिटवीन तो ये याद कीजिए ठीक तो यदि एफ़ इन बिटवीन रहता है तो फर्स्ट में है तो क्लास वन रहे। रहेगा यदि एल इन बिटवीन रहेगा तो सेकंड पोजीशन में एल है तो सेकंड क्लास रहेगा ई इन बिटवीन है ई थर्ड प्लेस में है तो थर्ड क्लास लेबर रहेगा ठीक है तो एफ एल ई इन बिटवीन तो अभी यहाँ पर ई इन बिटवीन है ई इन बिटवीन एफ एन ई तो ये क्लास थ्री हो जाएगा क्लास थ्री या टाइप थ्री ठीक है अभी मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए बताया है ना मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे तो ये जो डायग्राम दिया है एफ एल या है ई e यहाँ है अभी हम क्या करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला एक होता है लोड बाई एफर्ट ठीक है तो ये हर एक मशीन के लिए लगेगा लेकिन लोड दिया है एफर्ट नहीं दिया है तो इसलिए हम ये यूज नहीं कर सकते तो और एक फार्मूला है वो है एफर्ट आर्म बाय लोड आम ठीक है एफर्ट आर्म बाय लोड आम तो ये हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंसेस दिया है अभी एफर्ट आर्म क्या है हमेशा याद रखिए एफर्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द फल क्रम एफर्ट से फल क्रम था तो देखिए यहाँ से ये एफर्ट है ये फल क्रम है सपोर्ट तो ज़ीरो पॉइंट वन मीटर हो गया और लोड आम क्या है लोड का है देखिए और वो भी फल क्रम से ही लेना है ये नहीं लेना है ठीक है दोनों डिस्टेंस ये एफर्ट आर्म लोड आर्म ये सभी डिस्टेंस फलक्रम से लेना पड़ता है तो इसलिए अभी लोड यहाँ है फलक्रम यहाँ है तो टोटल लेना पड़ेगा हमें ये दिया है ज़ीरो पॉइंट फोर ये दिया जीरो पॉइंट वन तो ऐड कर देंगे तो ज़ीरो पॉइंट फाइव मीटर आ गया तो अभी एमए लगा देंगे फॉर्मूला ज़ीरो तो पॉइंट वन बाई ज़ीरो पॉइंट फाइव तो वन बाई फाइव जीरो पॉइंट टू हो गया ठीक है तो ये मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन हो तो इसलिए क्लास थ्री लीवर का हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज वन से, से कम होता है और ये स्पीड मल्टीप्लायर का काम करता है तो ये भी आपके रिवीजन के लिए मैंने बता दिया क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है टू का टू बॉडीज़ एंड बी हैव सेम काइनेटिक एनर्जीज Compare their velocities if mass of A is four times the mass of B। ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है कंपेरिजन टाइप का तो वो हमें एक कॉमन मेथड में बता देता हूँ तो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए तो इसका किसी इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप कर पाएंगे ठीक है देखिए कैसे करना है तो पहले यहाँ पर हमें दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ़ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी ये दिया है फिर मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज़ फोर्थ टाइम्स द मास ऑफ सेकेंड बॉडी ये भी दिया है तो ये इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए ठीक है इसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है या काइनेटिक एनर्जी इक्वल बताया है काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया और वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है के इजिकल टू हाफ एम बी स्क्वायर हम इसको यूज़ करेंगे अभी फर्स्ट बॉडी का होगा ए तो सब जगह ए लगा दीजिए मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए हाफ इंटू मास ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए स्क्वायर है ना तो देखिए मैंने वही लिखा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए वी ए स्क्वायर फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्योंकि कंपेयर करना है तो रेशियो निकाल लीजिए तो अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी का क्या होगा तो आप फार्मूला एक ही लगा रहे हैं आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा है ना तो आसानी से हो जाएगा हाफ एम बी वी बी स्क्वायर अभी इसको हम डिवाइड कर देंगे रिसीव निकाल लेंगे अभी इसके बाद क्या करेंगे जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको एक एक करके पुट करेंगे के ए बाई के बी तो दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो गया वन आ गया हाफ़ हाफ कैंसिल फिर मास ऑफ़ ए देखिए मास ऑफ़ ए कितना दिया है फोर एम बी तो ए के बदले में फोर इंटू एम बी लगा दिए एम ए के बदले में और एम बी को एम बी रखी तो ये देखिए कैंसिल ये हो जाता है फिर वी ए बाई वी बी ये हमें निकालना है ठीक है ना तो इसको ऐसे ही रखिए इसको कुछ दिया नहीं है इसको निकालना है तो अपने जगह में ऐसे ही रखिए अभी इसको कैंसिल हो गया तो ये फोर क्या हो गया इधर नीचे चला आया वन बाई फोर हो गया क्योंकि वेलोसिटीज़ का रेशियो निकालना है तो इसको फ्री कीजिए बाकी जितने फैक्टर्स हैं कॉन्स्टेंट सब इधर लेके आना है ठीक तो ये कर दिया अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी ए बाई वी वी स्क्वायर है दोनों का तो इसलिए ये वी ए बाई वी वी रूट ओवर हो जाएगा तो वन बाई टू आ गया तो देखिए ये वन बाई टू आंसर हो गया तो वी एज टू वी ऐसे भी लिख सकते हैं वन एज टू टू तो ये हो गया रेशियो तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है कंपेरिजन तो आप ये मेथड फॉलो कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स तो ये क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट तो हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा तो उसका ग्राफ हमें बनाना है ठीक है तो अभी सिचुएशन क्या है यहाँ से हम ऊपर फेंकेंगे है ना बॉडी को हाइट मान लीजिए हाइट एस तक देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है ज़ीरो है है ना हाइट ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगा और यहाँ पर जाने से एम जी अच्छा जाएगा हाइट में गया इसका मास एम है जी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये बढ़ गया तो हम क्या करेंगे एक्सेस बनाएंगे। तो फिजिक्स एग्ज़ाम आईसीसी में ग्राफ नहीं दिया जाता है तो आपको खुद ही ग्राफ बनाना है तो ये ज़ीरो ये हाइट एक्सेस हो गया तो मान लीजिए यहाँ हाइट ये हो गया और ये हो गया एनर्जी ठीक है तो जीरो हाइट में क्या है जीरो एनर्जी और हाइट में है मान लीजिए इतना एम जी एच ये एम जी एच वैल्यू है तो ये ज्वाइंट कर हैं तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉपर वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम थिकनेस एंड आर एट द सेम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर इफ़ द लेंथ ऑफ़ ए एज ट्वाइस द लेंथ ऑफ बी देन कम्पेयर देयर रेजिस्टेंसेस एंड रेजिस्टिविटीज तो अभी देखिए इसमें भी कंपेरिजन का बात आ रहा है ठीक है ना तो कैसे हम करेंगे जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही हम सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर थिकनेस सेम दिया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना जो एरिया ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो एरिया है ये थिकनेस सेम रहेगा दोनों का तो ये एरिया दोनों का सेम है ठीक है पहला इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए फिर लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ सेकेंड वायर तो जो लेंथ है है ना वो पहले वायर का दूसरे वायर से डबल है तो ये एल है इजिक्वल टू टू एल बी तो ये इन्फॉर्मेशन लिखना अभी पहला पार्ट है कि रेजिस्टेंस रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेज कंपेयर द रेजिस्टेंसेज तो इसका मतलब अभी हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ तो ये फार्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है ना so, ये रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ बाय एरिया तो ये फार्मूला अभी तो पहला वायर है तो देखिए पहला वायर है, आर ए के लिए मैंने क्या लिखा रो रो ए लिख सकते हैं ठीक है फिर बाद में देखेंगे इसका क्या होगा एल ए बाई ए ए फिर रो बी एल बी बाई ए बी दूसरे वायर का अभी ये हमने लिख दिया अभी यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो रो होता है रेजिस्टिविटी होता है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ़ द सब्सटेंस। यदि कोई एक सब्सटेंस है तो उसका रो सेम रहेगा ठीक है कॉपर वायर है दोनों दोनों कॉपर वायर है तो इसका मतलब दोनों का रो कैंसिल हो जाएगा सेम वैल्यूज से एक ही मटेरियल तब ये इक्वल लेना अलग अलग मटेरियल होगा तो अलग लेना है अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एल ए बाई ए ए इन देखिए ऊपर चला गया ये इनटू करने से रेसिप्रोकल कर लेना पड़ता है ए बी बाई एल बी तो ये आ गया ए और ए बी काट दिया मैंने क्यों क्योंकि दोनों इक्वल है देखिए यहाँ पर लिखा है ना इन्फॉर्मेशन दिया है ये और एल ए के बदले में एल ए के बदले में आप शायद टू एल बी आर बी को एल बी रख सकते हैं ठीक है मैंने बाद में किया पहले ये जो कैंसिल किया फिर एल एल बी आया फिर एल ए का वैल्यू यहाँ से पुट चाहे तो आप यहीं डायरेक्टली पुट कर सकते हैं तो ये हो गया तो देखिए कैंसिल हो गया तो इधर इधर क्या था आर ए बाई आर बी तो इसका रेशियो हो गया टू टू वन तो ये हो गया आंसर फिर उसके बाद दूसरा है रेजिस्टिविटी अभी इसमें रो ए बाय रो बी है, ये है. क्यूं? है। ना ये इक्वल है क्यों क्योंकि सेम मटेरियल दोनों कॉपर है तो रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा वन इज टू वन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा है साउंड चैप्टर से नेम द वेव्स यूज्ड फॉर इको डेप्थ साउंडिंग जो इको में जो है कौन सा वेव यूज होते हैं जो साउंड का है ठीक है तो सोनार का बात कर रहे हैं तो साउंड है तो अल्ट्रा साउंड या आप लिख सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड अल्ट्रासोन और अल्ट्रासाउंड भी लिख सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड भी लिख सकते हैं तो इसका कारण क्या है क्यों यूज करते हैं हम लोग गिव वन रीजन फॉर देयर फॉर देर यूज इंग एब एप्लीकेशन सो ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी दे है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड डायरेक्टिविटी तो दूर तक दूर तक जा सकते हैं उनके ऊपर ज़्यादा एनर्जी है और नर्से नक्सदे डायरेक्टिविटी है एक ही डायरेक्शन में सीधा जा सकते हैं फिर वापस भी आ सकते हैं तो इसलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड डायरेक्टिविटी ठीक है तो ये वन रीज़न ये हो गया तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू हमने सॉल्व कर लिया तो आप भी रिवाइज़ कीजिए वीडियो को फिर से देखिए नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए